सिक्स पैक एब्स देखने को नहीं मिलेंगे, ना ही बल्जिंग मसल देखने को मिलेंगे. आई थिंक इंसान जो जितना नॉर्मल होता है उतना ही रिलेटेबल होता है. सो दिस इज़ अ वेरी नॉर्मल रिलेटेबल फिल्म मेरे हिसाब से. सो यू विल नॉट सी एट पैक एब्स एंड ऑल दैट. इट्स जस्ट अ वेरी नॉर्मल ह्यूमन बींग एंड हु इज़ नॉट अ पॉर्न स्टार. मैं मैगजीन चलाती हूँ, फिल्म इन्होंने बनाई है. तो मेरे में मतलब मैगजीन पे डालने का मेरा ख्याल आया बिकॉज सब लोग लग्जरी देखते हैं. सो आई थॉट कुछ डिफरेंट हो जाए सो दैट लोगों को पता चले, कोई एक सोशल मैसेज भी चला जाए. एंड जितना मैंने समझा है, हाउएवर मेरे को अभी पूरी कहानी नहीं पता, बट जितनी मुझे पता है और देखने के बाद पता चलेगी, आई एम एज्यूमिंग इट टू बी एक सोशल मैसेज है कि हमारी जो एक धारणा हम लेके चल रहे हैं दैट आई एम पॉर्न स्टार इज अ वर्ड इज अ टैबू, सो वो शायद इस पिक्चर को देख के हट जाए, ऐसा आई एम एज्यूमिंग इट टू बी. व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द फिल्म सो फार? नहीं, कम्प्लीट हो चुकी है, पोस्ट प्रोडक्शन में है. पोस्ट प्रोडक्शन भी लगभग खत्म हो चुकी है. अब हमें आगे का जो वेरी गुड. और मैं कह सकती हूँ कि मैंने इनको इन फिल्म में लेके कोई गलती नहीं की है. और कहाँ कहाँ शूट की हुई है? इंडिया में ही की है. मुंबई बेस्ड? हाँ, कुछ पार्ट बाहर भी हुए कुछ. मुझे सर ने बताया था कि आप जो भी करते हैं जस्ट कीप इट एज नॉर्मल एज पॉसिबल. और क्योंकि डांस में कहीं ना कहीं पे हमेशा एक्टिंग जुड़ी रहती है, सो उसमें मुझे एक प्रॉब्लम ज़रूर हुई थी लाइंस याद करने के लिए. सो काफ़ी उसके लिए मुझे स्क्रिप्ट से पहले रिहर्सल करनी पड़ती थी. एंड देन उन्होंने मुझे बहुत मदद की उसके लिए. दैट वाज वन प्रॉब्लम आई हैड लाइन याद करने के लिए. डांस की कोरियोग्राफी याद करना और डायलॉग्स की लाइनें याद करने में बहुत फ़र्क हो जाता है. सो वहाँ पर मुझे थोड़ी प्रॉब्लम ज़रूर हुई, पर लेकिन मुझे सब ने हेल्प किया इंक्लूडिंग मैम. एंड आई एम थैंकफुल कि मुझे आपने मुझे कहा दैट योर पैसा वसूल हो गया मुझे लेकर के. सो आई एम फीलिंग क्वाइट गुड अबाउट इट. मैं अभी बोल रहा हूँ उनको कि एक प्रोमो के लिए शायद एक डांस करवा दो, बिकॉज पीपल माइट थिंक कि भाई मैं हूँ तो डांस होना चाहिए पिक्चर में. तो शायद पता नहीं अभी क्या सोचेंगे ये लोग, पर आई थिंक मैंने इसलिए पिक्चर की क्योंकि ये डांस फिल्म नहीं थी. सबसे पहले तो संदीप सर कोरियोग्राफर हैं, डांसर हैं, वो सबको ही जानता है. पर एज ए एक्टर वो कितने अच्छे हैं, कितने अच्छी एक्टिंग करते हैं, वो मैं दिखाना चाहती हूँ. डांस नहीं, डांस तो सबने देखा है. तो इमेज से हटकर अगर किसी की कोई चीज़ आती है तो डेफिनेटली फैन जो है ना, फिर वो थोड़ी सी दिलचस्पी कम लेते हैं. अब इनके डांस और ये टीवी पे और ये बराबर उनके उसमें बसे हुए, तो कहीं ना कहीं आजकल तो फिल्में हम सपने में दिखा सकते हैं. तो हम ये बात कर रहे हैं, होपफुली मे बी वी माइट शूट अ प्रोमो सॉन्ग. सेकेंड टाइम आना तो बिल्कुल नहीं बताऊंगा, बट आई वुड जस्ट से दैट फैबुलस एक्ट्रेस दैट आई वर्क विद, शी इज़ ब्यूटीफुल. काफ़ी फॉरनर्स भी हैं फिल्म में. अच्छा. और मेरे साथ जो को स्टार हैं वो इंडिया की नहीं हैं. सो बट यू विल मीट हर, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड फैबुलस एक्ट्रेस एंड ऑफकोर्स शी इज़ वेरी हॉट. आई कॉन्ट डिस्क्लोज नेम आइदर. यू हैव टू वेट एंड वॉच हु शी इज. एंड रशिया से हैं. सो यू विल सी अ रशियन एक्ट्रेस, बट शी इज़ फैबुलस एंड अ डियर फ्रेंड नाउ. इट्स 80% इंग्लिश फिल्म, सो यू कैन कॉल इट हिंग्लिश फिल्म. वी आर टारगेटिंग ऑल, वी आर टारगेटिंग ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, वी आर रनिंग ऑल हिंदी बेट आल्सो.
सब टाइटल्स भी होंगे बिल्कुल एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल रिलीज एज वेल विद इंटरनेशनल फेस्टिवल्स एंड किस जॉनर का डॉक्यूमेंट्री कह सकते हैं थोड़ी बहुत एंटरटेनमेंट आई वुड से आल्सो इट इज अ वे ऑफ इट्स अ मैसेज फिल्म मैसेज मैसेज यही है कि आप किसी को देख करके उसके ऊपर आप जो ख्याल बनाते हैं कि जैसे आपने किसी लड़की को बुरखा में देखा फॉर एग्जांपल आप बोलते हैं बुरखा में है तो शायद वो कंजर्वेटिव होगी सलवार कमीज में है साड़ी में है तो अलग होगी मिनी स्कर्ट में है तो अलग होगी लड़का कोई शॉर्ट्स में होगा तो अलग होगा सूट में होगा तो अलग होगा इंडियन कपड़े पहने अलग होगा तो जो हम लोग प्री कंसीव नोशंस रखते हैं दिमाग में ये पिक्चर उसके बारे में है एंड आई थिंक इट्स अ वंडरफुल मैसेज इट गोज आवर सोसाइटी कि आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए जो इंसान जैसा कपड़े पहनता है उसका पहनावा जैसे नॉट नेसेसरी वो इंसान वैसा हो मेरे साथ तो बहुत होता है ऐसे क्योंकि वेस्टर्न डांसर हूँ मैं तो लोगों को लगता है वो वेस्टर्न डांसर्स की इमेज अलग होती है इंडियन डांसर्स क्लासिकल डांस इमेज अलग होती है मैं टीका कैरी करता हूँ मैं पर्सनल लाइफ डांसिंग लाइफ में मैं टीका नहीं पहनता हूँ तो लोग कन्फ्यूज आते हैं यार बड़ा अजीब इंसान है क्या ये स्पिरिचुअल है क्या ये भगवान करता है किसने लगाया है टीका बहुत लोगों के दिमाग सवाल रहते हैं सो आई थिंक ये जो प्री कंसीव नोशंस हैं लोगों के ये फिल्म उसी को क्लियर करती है इन द फिल्म नॉट रियली दिस इज मेरा जो एक्सपीरियंस रहा सर वो डांस के ऊपर रहा डांसर के इमेज के ऊपर रहा डांस के प्रति जो लोगों का इमोशंस रहते हैं या ख्याल रहते हैं उसके प्रति रहा दिस फिल्म इज कम्प्लीटली ऑफ नथिंग टू डू विद डांसिंग इट्स टू डू विद पीपल नहीं मेरे ऊपर नहीं है फिल्म एक स्टोरी है एक कैरेक्टर के ऊपर ये फिल्म ऐसा किसी के पर्सनल किसी लाइफ से जुड़ा हुआ नहीं है एक जो आजकल का जो चल रहा है आजकल की दुनिया में जो हो रही है बस हमने वही दिखाया है आपकी फिल्म में हीरो अंग्रेजी बोल रहे हैं हीरो का बैकग्राउंड क्या इंडियन ही है या बाहर से आके इंडियन क्या पूरी ह्यूमन नेचर जो होती है हर किसी का एक जैसी होती है चाहे इंडियन हो चाहे वेस्टर्न हो कोई भी हो तो हमने एक उसी के ऊपर रिसर्च किया है कि सबके सभी इंसान के क्या कैटेगरी होती है एक जैसे ही होती है वो आप ये नहीं कह सकते इंडिया में है तो ऐसा है बाहर है तो ऐसा है ऐसा कुछ नहीं होता है तो हमने एक इंसान के ऊपर बनाया है अभी तो नहीं बता सकते फिलहाल हम बाद में बताएंगे इसका क्योंकि अभी हमारी हाँ तो वो थोड़ा सा हम लोगों को थोड़ा सा आसान हो जाएगा फिल्म में संदीप टीके के साथ नजर आएंगे या टीके के बगैर टीके के बगैर टीके के बगैर आएंगे क्योंकि इनकी जो को-स्टार है वो इंडियन नहीं है टीके के बगैर वो टीका नहीं लगाएंगे अच्छा मेरे वही बात आई है कि ये कहानी है ठीक है लेकिन इसका जो टाइटल है वो टाइटल कहीं ना कहीं यंग जनरेशन को भी थैंक यू सो मच आई एम श्योर मुझे भी इम्प्रेस कर गया टाइटल इसलिए मैंने भी हाँ बोला बट इट सेज आई एम नॉट अ पॉर्न स्टार नजर संभाल तो जो आपकी नजर है वो साफ होनी चाहिए कि किसी को हम पॉर्न स्टार की नजर से ना देखें किसी को हम उस कोई पॉर्न स्टार इज अ metaphor, a way of explaining कि आप किसी को गलत नज़र से या किसी दूसरी नज़र से ना देखें आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सेक्शुअल आई एम टॉकिंग अबाउट कोई भी इंसान की इमेज जो होती है वो इमेज जो है वो आप मत कैरी करिए चाहे वो पॉर्न स्टार की इमेज हो या नॉन पॉर्न स्टार की इमेज हो तो आई एम नॉट अ पॉर्न स्टार आप नज़र संभाल के देखिए मेरी तरफ देखिए संभाल के देखिए कुछ हमने देखे जैसे या तो डिज़ाइनर होते हैं हमारे बॉलीवुड में या डांसर्स होते हैं उनकी एक्टिविटीज ऐसी हो जाती है कि लोग कन्फ्यूज रहते हैं मोस्टली उनके लिए कि यार ये तो नहीं है ये तो नहीं है मोस्टली आपने देखा होगा डिजाइनर जितने भी या तो वो ये दिखाई देते हैं या फिर डांसर्स जो होते हैं उनमें बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी होती है क्या ये मतलब नेचुरली या डांस की वजह से या उसमें करते करते एक सेमिनार पे गए थे ऑन मेंटल हेल्थ
मेरा ये मानना है कि जो लेडी जब लड़की बनती है तो शी इज़ मेड फ्रॉम 2x, साइंटिफिकली आप बात करते हैं तो 2x मिला करके एक औरत बनती है। जब आदमी बनता है तो XY से बनता है। जब अर्धनारीश्वर की हम बात करते हैं तो एक आदमी में एक औरत भी छुपी है और एक औरत में भी आदमी छुपा है। इट इज़ जस्ट दैट अगर हम लोग आर्टिस्ट होते हैं, मैं डांसर की बात नहीं करूँगा, डिज़ाइनर की बात नहीं करूँगा, मैं म्यूजिशियंस की बात भी करूँगा, पेंटर्स की बात करूँगा, जो भी आर्टिस्ट होता है वो अपने जहन से ज़्यादा जुड़ जाता है, अपने सोल से ज़्यादा कनेक्ट होता है। इवन लोग जो बहुत मेडिटेशन भी करते हैं वो भी अपने सोल से बहुत कनेक्ट हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पर आपके अंदर के जो दोनों बैलेंसेज होते हैं वो कहीं ना कहीं पर उभरते निकलते बाहर रहते थे। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप एफेमिनेंट हैं या डिज़ाइनर्स गे हैं या फिर डांसर्स गे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। हर किसी के अंदर दोनों बैलेंसेज होते हैं। कभी कभी आप आदमी भी रोता है, औरत भी कभी खड़ी हो जाती है बिना रोए। सो हर किसी में दोनों में ये बैलेंसेज रहते हैं। आई थिंक वही बैलेंस अगर इंसान समझ पाए तब इंसान खुश रह सकता है। आप उसमें चाहे गे हो या बाइसेक्सुअल हो या फिर स्ट्रेट हो, जो भी आप मानते हैं उसको, इज जस्ट पर्सनल थिंग्स, इज गॉट नथिंग टू डू विद हु यू और योर प्रोफेशन इज। आई थिंक पोस्टर ऑनेस्टली सेज अ नॉर्मल थिंग। आप भी सेक्स करते हैं, मैं भी सेक्स करता हूँ, हम सब सेक्स करते हैं, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। कोई जल्दी शुरू करता है, कोई लेट शुरू करता है, कोई बहुत सालों तक करता है, कोई बहुत कम करता है, पर हम लोग सब कहीं ना कहीं पर हमारे साथ सेक्सुअल एनर्जी जुड़ती है। सो दैट डजंट मेक यू अ पॉर्न स्टार। कुछ लोग बहुत वाइल्ड सेक्स करते हैं, कोई बहुत नॉर्मल सेक्स करते हैं, पर आप हर कोई उससे गुजरता है ज़िंदगी में और हर किसी की ज़िंदगी का पहलू बनता है। सो आई डोंट थिंक दिस पोस्टर इज़ एनीथिंग वेरी ड्रामेटिक। टू मी इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पोस्टर विच टॉक्स अबाउट रिलेशनशिप। आई थिंक इट जस्ट सेज, इट स्पीक्स अबाउट रिलेशनशिप, इट टॉक्स अबाउट आदमी औरत के साथ में सेक्सुअल रिलेशनशिप होते हैं, शायद कभी ओनली सेक्सुअल रिलेशनशिप हो, फ्रेंडशिप रिलेशनशिप हो, हस्बैंड वाइफ हो सकता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो आई थिंक दिस पोस्टर स्पीक्स अबाउट पीपल, इट स्पीक्स अबाउट अ मैन एंड अ वुमन, इट स्पीक्स अबाउट द इमोशंस, एंड सेक्सुअल इमोशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इमोशन। उससे काफ़ी रिश्ते जुड़ते हैं और काफ़ी रिश्ते बिगड़ते भी हैं। सो दिस मूवी स्पीक्स ऑन दैट एंड पोस्टर ऑल्सो स्पीक्स ऑन सेम थिंग। One question from madam. When you thought of taking someone in lead role for this movie, like I'm not a porn star, why you thought of Sandeep Kiuri? सबसे पहले तो इसमें कोई लीड में है ही नहीं, और संदीप सर जो है वो पूरी जर्नी इनका है, लेकिन इनकी मतलब ये नहीं कह सकते कि उसमें लीड को ना, आप देखिए आप खुद डिसाइड कीजिए कि ये क्या है, एक ड्रामा है, किसी को आप ये नहीं कह सकते कि इसमें कौन लीड है क्या है। You might have someone in your mind like for this particular role you have Sandeep only. Why Sandeep only? Because he fits into the character, or why so? Like, I don't know. You know better why Sandeep only. Sandeep ji, मैंने पहले मैं बता चुकी हूँ कि संदीप जी इस स्क्रिप्ट को देख के वो पहले तो वो नहीं मान रहे थे, पर चूँकि मुझे ये इसलिए पसंद थे कि ये स्क्रिप्ट के साथ इनका जो रोल था यही फिट हो रहे थे। शायद और भी कोई फिट हो सकता है, पर मेरी नज़रें इनके ऊपर थी कि नहीं ये मुझे यही चाहिए, क्योंकि ये रोल के लिए ये फिट हैं, जो मैं इनको जितना जानती थी कि नहीं ये अच्छे से ये कर पाएंगे। फिर मुझे था इनको कन्विंस करना, तो इन्होंने स्क्रिप्ट देखा, स्टोरी देखी, तो इनको पसंद आया, क्योंकि बहुत अच्छी स्टोरी है। जब आप कभी कैसे आपने वो मेरे साथ काफ़ी दिनों सालों से जुड़े हुए थे, तो हमने उनके पास एक स्क्रिप्ट थी, ये स्टोरी थी, तो हमने ऐसे देखा, बोला देखो मैडम ये कैसा आपको लग रहा है मैम, तो मैंने पढ़ा, अच्छा लगा। उस वक्त नहीं नहीं उन्होंने मतलब मेरे साथ जुड़े हुए थे, और उसके पहले वो मेरे साथ काम, और मैंने उनके साथ कभी काम नहीं किया था, पर एज ए फ्रेंडशिप हम दोनों एक साथ जुड़े हुए थे, तो उन्होंने स्क्रिप्ट दिखा, चूँकि मैं उस वक्त नहीं, उन्होंने पहले डॉक्यूमेंट्री वगैरह काफ़ी की है उन्होंने, और वो जो पूरा इतना बड़ा केस थी वहाँ था अभी सिनेमा हॉल्स में खाना ले जाना वगैरह, उसके लिए काफ़ी उन्होंने ही वॉज द वन हु वॉज बिहाइंड दैट। गुजरात से हैं, गुजराती ट्रेडिशनल लविंग पीपल, तो जब आप
नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ थोड़ी सी हिचकिचाहट होती थी उन लोग के, अरे ये क्या नाम है, मैं बोली नॉट है। मेरे हस्बैंड ने पूछा कि ये नाम कुछ अजीब नहीं है, मैं बोली हाँ है पर उसके पहले नॉट लिखा हुआ है, नॉट ए पॉन स्टार नाम है। पर वो हमने ये दिखाया कि ये नाम के साथ आप डरिए मत, कोई भी चीज़ वो भी एक प्रोफेशन होगा किसी के लिए, तो हम जानते हैं इन शब्दों को, हम जवान पे लाते हुए डरते हैं या नहीं लेते हैं वो बात अलग है, लेकिन जानते तो सब हैं, तो फिर जवान पे लाने में क्या गलती है, बस और क्या। तो आप तो ये टाइटल से तो ऐसा लगता है कि आपको एडल्ट सर्टिफिकेट मिलेगा, तो आप रेडी है सब, तो पोर्न इंडस्ट्री आपने बताया होगा 100%। हाँ वो तो यहाँ में अगर मैं रिलीज करती हूँ इंडिया में तो ऑफकोर्स मुझे एडल्ट सर्टिफिकेट ही लेना पड़ेगा। तो फिल्म में पोर्न बैकग्राउंड है? नहीं ऐसा कुछ नहीं, पर नाम की वजह से हो सकता है, आई डोंट नो। आर यू टॉकिंग अबाउट पोर्न बैकग्राउंड द फिल्म? Well, this film, like I said, film is about relationships. So there is a connection of relationship is there. Pawn नहीं है. But some pawn characters are there कि आपका. No, there are no pawn characters. नाम सिर्फ use हुआ है. अब उसके अंदर क्या है? It's a very clear thing. Like हमने बोला, it's about saying preconceived notions. It's not about pawn star. It's about preconceived notion. Thank you. वेल बातें तो चल रही हैं, अभी देखिए क्या होता है, बट आई एम ट्राइंग टू डू थिंग्स विच आर डिफरेंट, आई एम ट्राइंग टू डू न्यू थिंग्स। डांस तो आप लोगों ने देखा ही है मेरा बहुत बार, एंड आई वांट टू डू मेनी मोर थिंग्स बिकॉज आई थिंक एज एन आर्टिस्ट काफ़ी चीज़ें आई वांट टू डू, एंड अभी टाइम मिल रहा है, अभी मौका मिल रहा है, मौका दिया गया है, आपने मौका दिया टू बी विथ यू एज वेल, सो आई वॉन्ट टू ट्राई डिफरेंट एस्पेक्ट्स, एंड यस यू विल सी मेनी न्यू थिंग्स कमिंग अप। थैंक यू।